तो दोस्तों अभी हम इप्सन L3150 का जो है वाईफाई सेटअप करने वाले हैं। पहले इस मोबाइल पर करेंगे और बाद में उस लैपटॉप पर करेंगे। तो इस प्रिंटर को वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट करने के लिए आपको जो सेटिंग्स करना होती है, सबसे पहले तो हम इसे वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके प्रिंटर की कोई सेटिंग बिगड़ गई है या आपका नया प्रिंटर है, स्टार्ट से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके प्रिंटर की सेटिंग बिगड़ गई है तो कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। आप प्रिंटर की जो नेटवर्क सेटिंग होती है, वाईफाई सेटिंग होती है, उसे रिसेट कर सकते हो। रिसेट कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको आपके प्रिंटर को बंद कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी प्रिंटर को बंद कर दिया है, और प्रिंटर जब बंद हो जाएगा आपको प्रॉपर, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन बटन दिख रहा है आपको, इस बटन को और जो पावर का बटन है, दोनों को एक साथ पकड़ना है। उस टाइम तक पकड़ के रखना है जब तक आपकी ये जो दो लाइट है, ये जो दो LED लाइट्स है, ये आपकी ब्लिंक करना स्टार्ट नहीं होती। तो देखो मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस करके बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से ऐसे ही करना, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस से प्रिंटर बंद करना, उसके बाद रिपीट कर लेना प्रोसेस। तो मैंने पहले नेटवर्क के बटन को दबाया, उसके बाद पावर के बटन को दबा के रखा। अब देखिए ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो गए, और छोड़ देना है दोनों बटन को एक साथ। तो अब ये लाइट्स आपकी ब्लिंक करती रहेंगी और नेटवर्क की जो सेटिंग है वो यहाँ पर रिसेट हो जाएंगी। उसके बाद हम उसके आगे की स्टेप कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मिनट तक का टाइम इसमें लगता है, तो आप वीडियो को जो टाइम बता रहा है उस टाइम पर स्किप कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी टेक्निकल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे ट्रैवल ब्लॉग के चैनल को भी सब्सक्राइब करें लेटेस्ट ट्रैवल गाइड और ट्रैवल अपडेट्स के लिए। ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वाईफाई की लाइट्स है वो बंद हो चुकी है ब्लिंक होना, और अब हमें इसे कनेक्ट करना है प्रिंटर को वाईफाई डायरेक्ट वाले मोड पे। वाईफाई डायरेक्ट वाले मोड पे कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे वाईफाई बटन और नेटवर्क इन्फॉर्मेशन या नेटवर्क स्टेटस जो बटन बोलते हैं, ये दोनों बटन को आपको एक साथ पकड़ के रखना है 5 सेकंड के लिए। और देखिए वापस से लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई, और ये ब्लिंक होने के बाद 1 मिनट तक शायद ये ब्लिंक करेंगे, और उसके बाद हमारा जो प्रिंटर है वो वाईफाई डायरेक्ट वाले मोड पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाईफाई डायरेक्ट वाले मोड पे यहाँ पे प्रिंटर सेट हो चुका है। तो अब हम इसे मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई डायरेक्ट वाले मोड पे, और प्रिंट भी दे सकते हैं। लेकिन इस केस में, पहले केस में हमारा इंटरनेट नहीं चलेगा। लैपटॉप या मोबाइल पर अगर हम वाईफाई से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा जब हम प्रिंट यूज़ कर रहे हैं या प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम जो दूसरा मोड कनेक्ट करेंगे वाईफाई राउटर के थ्रू, तो उसमें आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो और प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हो एक ही साथ। तो पहले हम वाईफाई डायरेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि वाईफाई डायरेक्ट से कनेक्ट करना ज़रूरी है अगर आपको आपके प्रिंटर को राउटर से कनेक्ट करना है। तो अगर आपका राउटर वाईफाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको वाईफाई डायरेक्ट से कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कनेक्शन नहीं बनाओगे प्रिंटर के बीच में, तब तक आप उसे राउटर में कॉन्फ़िगर कैसे कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरी स्टेप आपको करना है, वो आपको आपके प्रिंटर में A4 साइज़ के पेपर इंसर्ट कर देना है, और उसके बाद आपको ये जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन की आप देख रहे हो यहाँ पे, ये नेटवर्क इन्फॉर्मेशन बटन जो देख रहे हो आप, तो इस बटन को आपको प्रेस करके रखना है 5 सेकंड के लिए। तो ये आपके जो प्रिंटर का वाईफाई डायरेक्ट का नाम है और IP एड्रेस है और पासवर्ड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रिंट कर देगा। तो इसमें 2 या 3 प्रिंट आउट आपके निकलेंगे जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी। इस प्रिंटर में जो है 2 वाईफाई के कार्ड होते हैं अलग अलग, एक वाईफाई डायरेक्ट के लिए काम करता है और एक वाईफाई कनेक्शन विथ राउटर के लिए काम करता है। तो दोनों के मैक एड्रेस और दोनों की डिटेल्स आपको अलग अलग इसमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, प्रिंटर में से प्रिंट बाहर आ रहा है, जो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ रही है। एक और पेपर इसमें अभी आएगा, 2 से 3 पेपर आते हैं प्रिंट मोस्टली। देखो अभी और एक पेपर इंसर्ट हो गया, तीसरा पेपर भी यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे ये 3 पेपर्स हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर्स आपके पास प्रिंट निकले, उसमें आपको देखना है ये जो डायरेक्ट नाम से बताएंगा आपको, यहाँ पे देखिए SSID बता रहा है, यहाँ पे ऑपरेशन मोड ऑन बता रहा है, और SSID बता रहा है इसका डायरेक्ट 9E Ipsen 516A22, और उसका पासवर्ड बता रहा है 8249555। तो ये है आपका
प्रिंटर का, वाईफाई डायरेक्ट का SSID जब आप मोबाइल में सर्च करोगे तो ये नाम आएगा, इस नाम पर आपको कनेक्ट कर होना है, और जब वो पासवर्ड पूछेगा तो ये पासवर्ड आपको इंसर्ट करना है। ये वाईफाई डायरेक्ट के लिए है। और अगर आप यहाँ पर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे देखिए दो वाईफाई एड्रेस यहाँ पे बता रहे हैं, वाईफाई डायरेक्ट का मैक एड्रेस अलग है और मैक एड्रेस, नॉर्मल मैक एड्रेस जो है वो अलग है। तो ये जो नॉर्मल मैक एड्रेस है ये राउटर से कनेक्ट होने के लिए यूज़ होता है, और वाईफाई डायरेक्ट वाला जो है तो ये विदाउट इंटरनेट कनेक्शन P2P कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि प्रिंटर टू मोबाइल और प्रिंटर टू लैपटॉप डायरेक्ट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो चलिए हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे मोबाइल और लैपटॉप पे वाईफाई डायरेक्ट की मदद से। ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, इप्सन प्रिंटर के नाम, इप्सन प्रिंटर आप डालोगे या इप्सन आई प्रिंट डालोगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है आपके मोबाइल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रिंटर से कनेक्ट होंगे वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू तो हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो उससे पहले हम यहाँ पे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, और ऐप डाउनलोड कर ले आप, इंस्टॉल कर ले, उसको जो परमिशंस मांग रहा है वो अलाउ कर दे। तो यहाँ पे हमारा जो ऐप है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हो, उसे ओपन कर लिया है मैंने। और ओपन करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लिए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आ जाना है, उसके बाद आपको आपके मोबाइल का जो वाईफाई है उसे चेंज करके वाईफाई डायरेक्ट पर कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप मोबाइल के वाईफाई में जाते हो उसे एक बार ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए डायरेक्ट वाला जो इप्सन वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप इस पर कनेक्ट करोगे, और इस पर कनेक्ट करने के बाद ये आपको पासवर्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने पासवर्ड यहाँ पे प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला है वो पासवर्ड यहाँ पे हम टाइप करते हैं, मैं विजिबल रख रहा हूँ, 8249 555 0, और कनेक्ट पर क्लिक कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो प्रिंटर के साथ हो चुका है, वाईफाई डायरेक्ट जो है हमारा कनेक्ट हो चुका है प्रिंटर के साथ। उस पर कनेक्ट होने के बाद आपको ऐप ओपन करना है, आपका जो इप्सन का ऐप है वो ऐप ओपन करना है, और यहाँ पे प्रिंटर इज़ नॉट सेलेक्टेड बता रहा है। तो आप यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो प्रिंटर यहाँ पे देखिए सर्च हो रहा है, और यहाँ पे वो बताएगा प्रिंटर जो है वाईफाई डायरेक्ट वाला प्रिंटर यहाँ पे बताएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंटर हमारा आ चुका है L3150 सीरीज, और उसका IP एड्रेस भी यहाँ पे बता रहा है। ये IP एड्रेस दोस्तों आपको नोट करके रख लेना है, या आपको ये IP एड्रेस सेम आपको उसी प्रिंटआउट पर भी मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो IP एड्रेस आपको शो कर रहा है 192.168.223.1, वही IP एड्रेस आपको यहाँ पर शो कर रहा है, आप देख सकते हो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है। तो ये IP एड्रेस की मदद से हम कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे प्रिंटर को नेटवर्क में, मतलब राउटर के थ्रू। तो ये IP एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा प्रिंटर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और कनेक्ट होने के बाद अब आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपके पास प्रिंट फ़ोटो, प्रिंट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक प्रिंट फ़ोटो करके देख लेते हैं, और ये आपको अलाउ बोलेगा जो आपके फ़ोन के अंदर जो फ़ोटोज़ वगैरह है उसे प्रिंट अगर आप देना चाहते हो तो उसको अलाउ करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये एक स्क्रीनशॉट है, इसे प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, और नीचे आपको जो है ये प्रिंटआउट यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ से आप पेपर का साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से पेपर का साइज़, पेपर साइज़ यहाँ पे 4x6 बता रहा है, तो हम यहाँ पे A4 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने A4 साइज़ ले लिया है पेपर का, बैक करके आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हो, और ये प्रिंट देख सकते हो आप, यहाँ से मैंने प्रिंट दिया और वहाँ से प्रिंटर में से हल्की सी आवाज़ आई और पेपर वहाँ से इंसर्ट हो चुका है, और अब वो पेपर यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा हमारे पास। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो प्रिंटआउट हमने दिया था वही प्रिंटआउट यहाँ पे आ चुका है। मैं इसी पेपर को वापस से डाल देता हूँ। अब हम सिंपली यही प्रोसेस हमारे लैपटॉप से करेंगे, और लैपटॉप से प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वही स्टेप्स आपको लेना है। तो जैसे कि दोस्तों अभी आप लैपटॉप का स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप पर ये बता रहा है वाईफाई डायरेक्ट, ठीक है। तो जब हम इससे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें पासवर्ड पूछेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड हम वही पासवर्ड डाल देंगे जो पासवर्ड हमने मोबाइल पर डाला था। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पासवर्ड 8249 555 0, और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ जो पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला है, और नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप है अभी वो वाईफाई डायरेक्ट की मदद से कनेक्ट हो रहा है हमारे प्रिंटर को, और यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा नो इंटरनेट एक्सेस बता रहा है, सिक्योर्ड कनेक्शन है बट इंटरनेट एक्सेस चला गया है, यहाँ से देखो इंटरनेट बंद हो गया। अब उसमें आपको क्या करना है कि ये कनेक्शन करने से पहले अगर आपके पास ड्राइवर्स नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है
मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक दे रहा हूँ। ये मोस्टली इप्सन के 3150 3160 मैक्सिमम मॉडल्स को ये ड्राइवर्स आपके चल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो ड्राइवर्स है वो डाउनलोड कर लेना है, यूनिवर्सल प्रिंटर ड्राइवर्स ये आपको डाउनलोड कर लेना है। 64 बिट या आपका 32 बिट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप डाउनलोड करके उसे रन कर सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे मेरा पीसी 64 बिट का है, तो मैं 64 बिट वाले ड्राइवर्स यहाँ पे रन करूँगा। सेटअप में जाना है आपको, और सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली जो 64 बिट वाला सेटअप है वो आपको रन करना है। तो ये विंडो आती है आपके सामने, इप्सन प्रिंटर का ड्राइवर वर्जन यहाँ पे बता रहा है 7.9.2 समथिंग। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे हम, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लेंगे, लाइसेंस। अब यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि आप नेटवर्क पे चाहते हो या यूएसबी से चाहते हो। तो भाई हम यूएसबी पे नहीं चाहते क्योंकि हमने कोई केबल कनेक्ट नहीं की है, तो हम यहाँ पे वायरलेस से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ओके कर देना है, और ओके करने के बाद यहाँ पे प्रिंटर जो है वो सर्च होगा। और यहाँ पे देखो प्रिंटर बता रहा है आईपी एड्रेस के साथ 223.1 लास्ट में जो आईपी एड्रेस है वो बता रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ओके कर देना है, और अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें, या ये ऑप्शन आप हटा दें और यहाँ पे हम इसे ओके कर देते। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल सक्सेसफुली एंड पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन वेयर कंप्लीट सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज मिल चुका है आपको। तो सिंपली आप कंट्रोल पैनल में जाकर चेक कर सकते हो, या डिवाइसेस एंड प्रिंटर में जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पे डिवाइसेस एंड प्रिंटर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास इप्सन यूनिवर्सल प्रिंटर ड्राइवर जो है ये बता रहा है। तो यहाँ पर आप जब प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे पता चलता है, पोर्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो आपका प्रिंटर है वो उसका आईपी एड्रेस कौन सा है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 192.168.223.1 है, TCP/IP स्टैंडर्ड पोर्ट। तो ये हमारा प्रिंटर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ से एक प्रिंट आउट दे देते हैं, तो प्रिंट प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं यहाँ पे प्रिंट टेस्ट पेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक टेस्ट पेज हमारे पास आ जाएगा, आप देख सकते हो। प्रिंटर से टेस्ट पेज जो है बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पे विंडोज़ का जो टेस्ट पेज है वो यहाँ पे बाहर आ चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक और एक प्रिंट दे देते हैं हमारा टेक्नोसर्च का लोगो, जो कि मैं हमेशा देता हूँ। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो वो प्रिंट प्रॉपर आता है या नहीं आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा टेक्नोसर्च का लोगो भी अच्छे से प्रिंट आ चुका है, कलर में आ चुका है। तो यहाँ पर हमने मोबाइल और लैपटॉप से वाईफाई डायरेक्ट की मदद से हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट कर लिया है, और हमने प्रिंट भी देकर देख ली है। अब जो दूसरा मेथड हमें यूज़ करना है, हमारे प्रिंटर को हमारे वाईफाई राउटर से कनेक्ट करना है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, या ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो दिया हुआ है वो आप देख सकते हो। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे ट्रैवल व्लॉग के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ट्रैवल व्लॉग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।